सही चालू कर लो, चालू कर लो। गुड इवनिंग बच्चों, आज आपको इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में और इसके क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, और इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स दैट इज डिटरमिनेंट इनटू आई। तो सबसे पहले हम एक डिमांडेड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 15, ये डिमांडेड क्वेश्चन है, काफी बच्चों ने इसकी डिमांड करी और उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को लिया है और इसी बेस पर सारे इनवर्स निकल जाएंगे। तो लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लेट ए इज इक्वल टू, ये हमने मैट्रिक्स लिख दी जो भी दे रखी है। नाउ अब इसमें कुछ यूजफुल आइडियाज हैं, ए में इसमें ये रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से तीन और तीन ही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस है, तो जो ऑपरेशंस रोज के लिए एप्लीकेबल हैं वही ऑपरेशंस कॉलम्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे पहला है ऑपरेशन इंटरचेंज ऑफ रोज आर आई टू आर जे, और सेकंड है आर आई के आर जे, और थर्ड है आर आई प्लस के आर जे। ये रो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और सेम फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएगा, सिर्फ आर की जगह सी आ जाएगा। तो पहला हो जाएगा सी आई इक्वल टू सी जे, सेकंड हो जाएगा सी आई के सी जे, थर्ड हो जाएगा सी आई प्लस के सी जे। लेकिन जो बी पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें गलत होने के चांसेस होने से बच सकते हैं। यदि हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करते हैं तो ए इज इक्वल टू आई ए लिखना पड़ेगा, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो ए इज इक्वल टू ए आई लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से इस इनवर्स को निकालेंगे, तो ए इज इक्वल टू यहां पर आई ए करना पड़ेगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन से ले रहे हैं तो ए इज इक्वल टू आई ए करना पड़ेगा। तो लेट ए इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, और हम क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसमें आई जो हमारा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चूंकि दिया हुआ 3x3 का है, ये 3x3 का है, तो आई भी हमारा 3x3 का लेना पड़ेगा, 100010001। और यहां पर ए इज इक्वल टू आई ए लिख लिया। अब हम बहुत ध्यान से देखें जो प्रिंसिपल डायगोनल है, यहां पर 1 आ रहा है, तो हम सबसे पहले 1 लाएंगे और इसके नीचे एलिमेंट 00 लाएंगे, उसके बाद हम सेकंड रो में जो सेकंड एलिमेंट है वहां 1 लाएंगे, ऊपर नीचे 0 लाएंगे, और लास्ट में थर्ड रो में जो थर्ड एलिमेंट है उसे 1 लाएंगे और इसके ऊपर 00 लाएंगे। ऐसा हम लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में करेंगे, तो सारे जो ऑपरेशंस हैं वो लेफ्ट हैंड वाली मैट्रिक्स में ही लगाएंगे जो कि यहां पर इंडिकेट किए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर 1 लाना चाहते हैं और यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां पर 1 लाना चाहते हैं और यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो हम यदि इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें और इसको माइनस कर दें, यानी कहना चाहते हैं कि आर वन को चेंज करना चाहते हैं 2RI-R3, तो 2 2 4 3 1 आ गया, और 2 3 6 माइनस के, और ये जब माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 2 3 6 हो जाएगा, 6 में 2 चले जाएंगे 4 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ 1 प्राप्त हो गया है जो कि हमारी पहली डिमांड है।
अब इसके नीचे हम जीरो जीरो डालना चाहेंगे और ये आ सकता है यदि आर जो हमारा वन है उसको इसमें टू की मल्टीप्लाई कर दे और सॉरी यदि हम इसमें यहाँ पर जीरो जीरो डालना चाहते हैं तो आर टू को आर टू और टू आर वन यानी इसमें टू की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें और आर वन में थ्री की मल्टीप्लाई करके आर थ्री में से माइनस कर दें। तो हमने इसमें टू की मल्टीप्लाई करी तो टू वन या टू, टू में से टू या जीरो बचा और इसमें थ्री की करी तो थ्री वन या थ्री और थ्री में थ्री करा तो जीरो हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर फोर टेन टेन फोर माइनस फाइव माइनस टेन आ गए। अब हम यहाँ पर जीरो प्राप्त कर चुके हैं। अब हम जो है यहां पर वन लाना चाहेंगे। यहां पर अब वन लाने के लिए क्या काम करें, सबसे पहले हम इसमें से पांच कॉमन दिखाई दे रहा है, पांच कॉमन ले लिया फाइव, तो आर टू को हमने लिखा वन अपॉन फाइव आर टू और आर थ्री में टेन कॉमन चमक रहा है, आर थ्री को वन अपॉन टेन आर थ्री कर दिया। तो यहां से अब फाइव कॉमन लेंगे तो टू और माइनस वन बचेगा और यहाँ पर जीरो वन वन बचेगा। जो एप्लीकेशन इसमें किए हैं वो यहाँ पर हमने कर दिए, यानी जब पांच कॉमन ले लेंगे तो हमारे का फोर अपॉन फाइव हो जाएगा, वन अपॉन फाइव हो जाएगा और टू अपॉन फाइव हो जाएगा। ठीक है, जब टेन कॉमन ले लेंगे तो हमारे सिक्स अपॉन टेन आएगा, टू से काट के हमारे का थ्री अपॉन फाइव आएगा, जीरो में जीरो रहेगा और फोर अपॉन टेन टू अपॉन फाइव हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर वन लाना चाहते हैं और वन आराम से आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, यानी हम करना चाहते हैं कि जो हमारा आर वन है उसे फोर आर टू जोड़ दे। ठीक है, तो क्या हो सकता है को यहां पर वन के लिए हमने आर टू को आर थ्री को वन अपॉइंट फाइव वन अपॉइंट टेन कर दिया और अब करेंगे आर वन को आर वन प्लस फोर आर टू और आर थ्री करेंगे आर थ्री माइनस के आर टू। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आर वन में फोर आर टू एड करा तो कितना हो जाएगा, ये टू टू जब फोर ये जीरो आ जाएगा और यहां पर आर थ्री को आर थ्री में से आर टू माइनस कर दिया तो यहां पर तुम्हारा वन आ जाएगा, ये वन आ रहा है। तो यहां पर अब हम आर थ्री और आर थ्री को नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो नेगेटिव जब कॉमन ले लेंगे आर थ्री में से तो क्या होगा, यानी आर थ्री को लिखा हमने आर थ्री एरो माइनस आर थ्री तो ये तो तुम्हारा वन जीरो फोर जीरो वन जीरो 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 वन और ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का सिक्स अपॉन फाइव फोर अपॉन फाइव माइनस वन वन अपॉन फाइव वन अपॉन फाइव जीरो। और अब यहां पर हम वन लाना जीरो जीरो लाना चाहेंगे तो आर वन को लिख देंगे आर वन माइनस फोर आर थ्री, यहां पर जीरो आ जाएगा, यहां पर वन आया हुआ ही है, जो हमने एप्लीकेशन लेफ्ट में की वही हमने राइट में कर दिए। तो ये हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हुआ और आई और ये हमारे एक न्यू मैट्रिक्स प्राप्त हुआ इन टू ए हो रहा है। तो ए में यदि बी की मल्टीप्लाई कर दे किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो इनवर्स होता है, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को लेके चलेंगे कि इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन तो देन ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनटू ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आई वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। वो पहले हम बता चुके कि जो ऑर्डर ए का होगा वही ऑर्डर आई का लेना पड़ेगा, ए का ऑर्डर एन था तो आई का भी ऑर्डर एन लेना पड़ेगा। अब हम वेरीफाई कर दे रहे इसको, लेट ए इज इक्वल टू हमने कोई भी मैट्रिक्स मान लिया ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री यानी पहली रो का पहला एलिमेंट ए वन वन, पहली रो का सेकंड एलिमेंट ए वन टू और ए फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ए वन थ्री, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ए टू वन, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट ए टू टू, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट ए टू थ्री और इसी तरह से थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट ए थ्री वन, सेकंड एलिमेंट ए थ्री टू और थर्ड एलिमेंट ए थ्री थ्री। अब हम सब एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो एडजॉइंट निकालने का तरीका यह है सबसे आसान कि हम
जो रोकी कोफैक्टर निकाले उन्हें कॉलम में डाल रहे। मान लीजिए हमारे रो के कोफैक्टर पहली आर वन के कोफैक्टर आए ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री तो हमें कॉलम में डाल देंगे अर्थात ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री। सेकेंड रो के कोफैक्टर आए ए टू वन ए टू टू और ए टू थ्री तो हम इनको सेकेंड कॉलम में डाल देंगे ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री। और थर्ड रो के जो कोफैक्टर है वो आए हमारे बड़ा ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री उसे थर्ड कॉलम में डाल देंगे। इस तरह से हमें एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाएगा। अब हमें प्रूव करना है या वेरीफाई करना है ए एडजॉइंट ए ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इनटू आई। तो हम पहले एलएचएस ले रहे हैं और एलएचएस की वैल्यू है ए एडजॉइंट ए और ए की वैल्यू ये रही जो हमने कंसिडर कर रखी है ये वाली रही वैल्यू ए की और एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने अभी निकाली है। इनकी मल्टीप्लाई करें इसमें रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले में पहले की ए वन वन ए वन वन ए वन टू ए वन टू ए वन थ्री ए वन थ्री। और एक रूल है कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो जैसे ये वाली रो ले ली इसके प्रोडक्ट किससे करें और कॉलम भी आ सकता है फिलहाल रो लिया करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स और करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या इसका ए वन वन के साथ ए वन वन आया ए वन टू के साथ ए वन टू आया ए वन थ्री के साथ ए वन थ्री आया। तो ये सारी जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है अर्थात डिटरमिनेंट ए। तो यहां पर एक डिटरमिनेंट हमारा ए प्राप्त हो जाएगा। अब लेकिन यदि अदर्स और इसमें अदरवाइज जीरो होगा यानी यदि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट सेकेंड में कॉलम में सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टैली नहीं हो रही थी ए वन वन ए टू वन आया ए वन टू ए टू टू आया ए वन थ्री ए टू थ्री आया तो टैली नहीं हो रहे तो वैल्यू जीरो हो गई। ऐसे ही फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे ए वन वन ए थ्री वन ए वन टू ए थ्री टू ए वन थ्री ए थ्री थ्री ये भी टैली नहीं हो रहे जीरो आ गया। अब उसी तरह से सेकेंड कॉलम में एलिमेंट हमारे ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री तो ये एलिमेंट हमारे को फैक्टर में ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री से मेल खा रहे हैं। तो यहां पर यदि इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये ए हो जाएगा। उसी तरह से ए वन थ्री और ये थर्ड वाले ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ये इससे टैली हो रहे हैं तो यहां पर ए आ जाएगा। इस तरह से हमारे प्रोडक्ट तैयार है। और यदि हम इसमें से ए कॉमन ले लें तो मैट्रिक्स का रूल है कि यदि कोई एलिमेंट कॉमन है तो सब में से कॉमन आएगा फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो में से हमने से कॉमन ले लिया जब वन बचेगा वन बचेगा वन बचेगा तो ये ए आई हमें प्राप्त हो गया। हम आरएचएस को ले लें एडजॉइंट ए इनटू ए। अब उसी तरह से देखें यानी जो हमारा फर्स्ट रो है ये वाली ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेगी तो एलिमेंट टैली हो रहे ए वन वन के साथ ए वन वन आ रहा है ए टू वन के साथ ए टू वन आ रहा है ए थ्री वन के साथ ए थ्री वन आ रहा है तो वैल्यू हमारी वही ए आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ बी आ जाएगा इसी प्रकार से यहाँ पर ए आ जाएगा। तो ये ए हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारा सिमिलर मैनर में चला गया। तो एलएचएस आरएचएस और ये डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू आई ईच तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अगले जो टॉपिक्स होंगे उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम और आपको लेके आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के लिहाज से। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और अन्य प्यार दोस्तों को पहुंचाएं। धन्यवाद।